हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ सोयाबीन और चना आलू का सब्जी बनाने। तो इसके लिए सोयाबीन मैंने पानी में भिगो दिया है, चना और आलू उबाल लिए हैं, इसको छील लेते हैं। और मसाला के लिए जीरा मिर्च है, लहसुन ले लिए हैं, अदरक है, एक छोटी इलायची है, इसको मैंने पीस लेती हूँ। टमाटर और प्याज का अलग अलग प्यूरी बना लेंगे। तो मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, अब जा रही हूँ सोयाबीन फ्राई करने। तो मेरा सोयाबीन हो गया है फ्राई, अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल रही हूँ जीरा। और यहीं पर डाल रहे हैं लाल मिर्च और तेजपत्ता। तो यहाँ पे मेरा फोरन गल चुका है और इसमें डाल रहे हैं जो प्याज का प्यूरी बनाए थे उसको डाल रहे हैं। अब मेरा प्याज भून चुका है और इसी में डाल रही हूँ जीरा मिर्च वाला पेस्ट बनाए थे उसको डाल रहे हैं। यहीं पर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर लौंग 1 चम्मच और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। और डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब डाल रहे हैं यहीं पे टमाटर प्यूरी जो बनाए थे और उसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट तक डालकर भून लेंगे। भूनकर और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। और यहीं पे मैं आलू डाल रही हूँ, 20 से 2 भाग काट लिए हैं, काट कर आलू और चना डालकर दोनों। अब यहीं पे सोयाबीन डाल रहे हैं। अच्छी तरह से भून लिया सब्जी, मसाला बुरे सब भून लिया और इसमें पानी डाल रहे हैं। तो पानी डाल दिए, अब ढक लेते हैं। तो मेरा पूरा सब्जी बन तैयार हो गई है और मैं यहीं पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ। गैस को ऑफ करते हैं। तो फाइनली मेरा आलू सोयाबीन और चना की सब्जी तैयार हो गई है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।